लखनऊ से रतलाम अगर आना हो हमारे साथ, तो आप 13 से 13.5 घंटे में पहुँचे। पॉटी कर दी है जी, पहले पॉटी साफ कर। बदबू झेल ही नहीं जा रही किसी से। बहुत हैवी है। हेलो एवरीवन, तो आज हम व्लॉग की शुरुआत करते हैं आशु के साथ। मैं बहुत ज्यादा पसीने में हो रही हूँ, ऑल इन स्वेट, और यहाँ पे ये सनी जी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई हमको एक करीब पर टी शर्ट दे दे, हमारी टी शर्ट गंदी हो गई है। बिल्कुल ले लो, हमारी अंदरा को नहीं निकालनी। कौन सी अंदरा? मैं बताती हूँ कौन सी वाली लेना, रुको मैं बता रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा पसीने में हो रही हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। अर्शु साहब बिल्कुल हमारे जैसे हैं, उनको घूमना ही पसंद है, घर बैठने तो मतलब किसी तरह मैंने कर लिया बस। आई होप इट इज लुकिंग गुड। ओह माय गॉड, यहां पे मिशन सक्सेसफुल। ये 15 मिनट क्या बात, मिशन सक्सेसफुल। थैंक, 15 मिनट नहीं, मैं आपसे जल्दी कर लेती हूँ। सो ऑल इन ऑल ये गिफ्ट पैक मुझे करना था, जो कि करण ने कर दिया है और बहुत अच्छा करा है। लेट नाइट, वो भी लेट नाइट, 2 बज रहे हैं यार। करण ये रात के 2 बजे क्या कर रहे हो आप? बड़ी जल्दी सफर शुरू करने वाले हैं। बड़ी जल्दी सफर शुरू करने वाले हैं। अरे अच्छा बाबू, आपने गरम किया उसको? अच्छा ना बुलाया। ओए बाबू, ओए हम मुश्किल दे रहा है। मुश्किल मुश्किल, ये मुश्किल क्या होता है चाचू? मुश्किल मुश्किल। अरे चाचू खेलना ही है तो चलो उठा लीजिए हमें, हम कुछ काम कर पाए, पसीना पोंछ पाए अपना। सो ये वाला गिफ्ट है, ये गिफ्ट है मम्मी के लिए, जो कि करण ने पैक किया है बहुत ही प्यार से। वो नीचे पड़े हैं पापा के, और इनका गिफ्ट नीचे पड़ा है, और ये बो मैंने लगा दिया। जनाब गर्मी लगती है। डेट हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, जब लॉग आएगा आप समझ लेना उससे 1 हफ्ते पहले हम लोग रतलाम के लिए निकले थे। डेट तो नहीं डिस्क्लोज कर रहे, अभी जो व्यस्त बहुत है इस हफ्ते, ब्लॉगिंग हुई नहीं, ना मंगलवार ब्लॉग आया ना बृहस्पतिवार ब्लॉग आया। क्या कर सकते हैं आज, इतने सालों बाद मेरी वाइफ ने थोड़ी सी ब्लॉगिंग की होगी। आज आप देख रहे हैं एक बंदा हमारे हाथ में, तो ब्लॉगिंग हो रही है आपकी बीवी से। हाँ वही तो, ये है तो मैं कैसे व्लॉगिंग करूंगी। एक्स्ट्रा सपोर्ट, अशु की नानी के पास जाएगा। छोटे साहब जी रेडी हो रहे, बेटी जी उनको रेडी कर रहे हैं, और नन्नी जी एकदम फ्राटी हो गए हैं। जी गाइस जी, बच्चों के साथ ये है ना कि गर्मी लग रही हो तब भी आप पंखा नहीं चला सकते। देखो पूरे बाल जिकार आए, छोटा सा गाइस जी। 2:10 सफर की शुरुआत करेंगे, और 15-20 मिनट में सिर्फ अर्श जी का रेडी होना बाकी है, बाकी हम लोग सब हो गए रेडी। सामान वामान गाड़ी में कराए थे सेट थोड़ी देर पहले ही। हाँ जी, ये डीडी इंसोल लेके आते हुए देख रहे हैं हम खानदान वाले, एकदम हम क्रिकेट खेलना जाते हैं। यहाँ लिखा रहता है निर्मल स्कूल। अजी 3:15 हो रहे हैं, परिवार जाग गया, मम्मी जी गाड़ी की चाबी दे रही हैं। ओए होए होए होए, अजी पैकिंग हो गई है, गाड़ी में सामान रख दिया गया, खाना पीना ये पड़ा। ओके जी, सी यू है। वो तो नहीं जा रहे हैं, तीनों जा रहे हैं। ये तो पहले जा रहे हैं अपनी नानी के पास। ओए होए, अब जी इनका सोने का टाइम है, ये मस्त सुबह 10 बजे तक नींद पूरी करेंगे। तब तक जी हम लोग शिवपुरी पार कर चुके होंगे, आधे से ज्यादा सफर हो जाएगा रतलाम का पूरा। ओके दादी जी, गुड नाइट है आपके पर पोतर को हम लिए जा रहे हैं। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, जल्दी मुलाकात होगी। चलो भाई चलो 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 चलो, अरदास करो जल्दी से बेटी जी। चलिए माले, ये मिठा आया किसी को बांट देना। दिवाली आएगी, दिवाली आ रही है। और जी 2:30 बजे दादा जी नींद में, दादा जी ने पहले उसको सुलाया, अब वो खुद सो रहे हैं। बेदी जी ने जी अरदास कर लिया, जल्दी आना, उन्हें आना थोड़ी है, तुसी लेन जाना है। अर्श जी जी 2 महीने के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं, वेके मोड में, वेके मोड ऑन। यहाँ पे गाड़ी में बैठते से भूख लग गई है, देखिए सफर की शुरुआत भी नहीं हुई है, सफर की शुरुआत भी नहीं हुई है, सब यहीं पे खड़े हैं।
आइए आइए बाहर निकलते फिर आपको कुछ खिलाते हैं। और अर्श जी का ट्रांसफर कंप्लीट। ओके बाय बाय। बाय बाय। अर्श जी की गुड मॉर्निंग हो गई है गाड़ी में बैठते ही। अर्श जी जकारे के साथ करते हैं सफर की शुरुआत। बोले सोने हाल सऊद श्री अकाल जी। 850 किलोमीटर का सफर है, 12 घंटे लगेंगे, हो सकता है 13 भी लग जाए, हो सकता है 14 भी लग जाए। अपनी गाड़ी है जी, कोई जल्दी तो है नहीं, धीरे धीरे आराम से पहुंच चला जाएगा। पहले जी गाड़ी का डीजल फुल कराया जाए। 3:06 जी गाड़ी का टैंक फुल कर रहे हैं सर हमारे। 4:12 कानपुर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। 1 घंटे में हम कानपुर पहुंच गए। हाँ टाइमली पहुंच गए। 1 घंटा कानपुर में पहुंचा जी। गंगा में पानी बहुत है। 5:49 टीम हमारी पूरी सो रही है। साहब पीछे मैडम आगे छोटे साहब मैडम की गोद में। तो जी बाहर गुड मॉर्निंग सा माहौल हो रही है। झांसी है जी कुछ 30-40 किलोमीटर रिमेनिंग। सर जी गुड मॉर्निंग हो गई है बेटी जी की। यार गुड मॉर्निंग करने का मन नहीं कर रहा। ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है अब हम लोगों का। यार चार भी दे दो। नहीं अरे छोटी सी डिब्बी है। अचार मिल नहीं रहा है जी। ये डूब गई है सब्जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। वेरी अमेजिंग गुड मॉर्निंग सर जी बाहर की। ओ भाई साहब सूरज जी हमारे बाहर आ रहे हैं और नन्नी जी एक पहाड़ कैप्चर कर रहे हैं। पहाड़ नहीं, आई एम जस्ट टेकिंग स्नैप। नन्नी आप तो क्लासिकल में चले गए। तमन्ना रेस्टोरेंट पे जी ब्रेक लिया पहला, बेदी जी पीछे सेटल हो गए। 8:46 पे जी दोबारा सफर की शुरुआत हो रही है तमन्ना ढाबा एंड रेस्टोरेंट से। अब गाड़ी लंबी खींची जाएगी। एक छोटी सी जी नैप ले ली है हमने। 10:52 जी सफर स्लोली पूरा हो ही रहा है। लास्ट के गई जी कुछ 3-4 hours रिमेनिंग बचे हैं। आज जी थोड़े से क्रैंकी हो रहे हैं क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई है। अब जी ड्राइविंग सीट यहाँ पे होंगी एक्सचेंज। वेरी गुड थिंग अबाउट जी दिस कार इज लाइक की इस कार ने ऑफिशियली अपने फिगर के हिसाब से 12.6 का एवरेज दिया जी हमें। ये देखो जी, और जी हम लखनऊ से टैंक फुल करा के चले थे, हाफ टैंक भी नहीं हुआ जी और आधे से ज्यादा रास्ता हो चुका है कवर जी। बेटे जी हमारे थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, हम मम्मी जी के साथ चिल कर रहे हैं। 12:31 पोजीशन चेंज हो गई है। बेदी जी आगे आ गए हैं, नन्नी जी सोने चले गए और गाइस जी हमें मिल गई है ड्राइवर जी। अर्शु जी ने पॉटी कर दी है जी, पहले पॉटी साफ के रखते हैं। बहुत हैवी है। अर्श जी की पॉटी साफ कर दी गई है जी। और गाइस जी सामने विंड मिल्स भी नजर आने शुरू हो गए हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश में जी एंट्री हो गई, बहुत टाइम हो गया। अब तो जी रतलाम लगने वाले, थोड़ी देर में उज्जैन आएगा जी पहला स्टॉप। जी इनको फिर से भूख लग गई है जी, हमें भी खिलाई जी। अभी तक हम लोगों ने कोई स्टॉप लिया नहीं, बस एक लिया था भाई, कोई तो तान्या रेस्टोरेंट था। डीजल भी भरपूर मात्रा में साथ दे रहा है हमारा। 59 बेदी जी जाग गए हैं, अर्शु जी सो रहे हैं। हम लोग कहीं तो जी भटक गए थे रास्ता, नन्नी जी ने GPS के थ्रू बाहर निकाला। मैं कह रही हूँ कि मैं सो क्या गई, मेरी आँख क्या लग गई थोड़ी देर के लिए, लोग रास्ते ही भटक गए। यहाँ से जी रतलाम का सफर अभी कुछ 2 घंटे का बाकी है।
जी सीनिक ब्यूटी देखो जी गाइस कितनी बढ़िया है, मतलब वाह जी वाह, एकदम केरला वाला फील आ जाता है। ये पता नहीं आपको कितना ही दिखा पाते हैं हम चलती गाड़ी में। तो ये हम लोगों की समस्या है कि हम लोग गाड़ी रोकते नहीं है, सुबह से गाड़ी पर एक ही जगह रुकी थी, अभी तक रुकी नहीं है। लंच भी हो गया हम लोगों का कम्प्लीट, जी अभी भी सो रहे हैं। बहुत जल्दी रतलाम पहुंच जाएंगे जी, बहुत जल्दी। थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे उज्जैन में, पर कोई नहीं। लखनऊ से रतलाम अगर आना हो हमारे साथ, आप 13 से 13.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जी टैंक अभी भी साथ दे रहा है हमारा। गुड मॉर्निंग हो गई है जी अर्श जी की, नन्नी जी जी रतलाम का फेमस पोहा खिलाने रुके हैं। डार्लिंग को भूख लग गई है, जी रतलाम और पास आ रहे हैं और यहाँ पार्टी मोड ऑन हो गया है। अर्श जी भी पार्टी कर रहे हैं, बेटी जी भी पार्टी कर रही हैं। सिफत जी का वीडियो कॉल आते हुए, गाने गुने गाए जा रहे हैं जी और मौसम का बहुत बढ़िया लुफ्त उठाया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको जी? और 15 मिनट और हम होंगे अपने ससुराल में। हर जी के साथ सफर कटा है बहुत बढ़िया। हम लोगों को डर लग रहा था कि शायद परेशान करे या हम लोग परेशान हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, मजा आया जी। मेरा बेबी छोला, मेरा बेबी छोला। फिलहाल जी गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो यहाँ तक देख लिया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक बाय। और अगले व्लॉग में आपको दिखाया जाएगा, अगले व्लॉग में आपको दिखाया जाएगा कि अर्श कैसे मिले अपने नाना नानी से। अर्श पहली बार जा रहे हैं, पहुंच ही गए फर्स्ट टाइम ननी हाल। नहीं नीचे बैठा है, हाथ कर लेंगे। चलो जी, ओके देन, सी यू।